हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पीएचडी एडमिशन इन आईआईटी इंदौर। तो जो भी फर्स्ट लिंक आएगी उसको हमें क्लिक करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लिंक को ओपन करने के बाद ये पेज हमें दिखेगा। वहाँ पे सब एडमिशन प्रोसीजर होगी, एप्लीकेशन कैटेगरी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे ही लिंक ओपन कर हम करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि आईआईटी इंदौर एकेडमिक पीएचडी एडमिशन 2022-23। तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है और जो भी एडमिशन कैटेगरीज है वो दो प्रकार की है, फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो फॉर इंडियन स्टूडेंट एफए कैटेगरी है, विच इज़ फेलोशिप अवार्डी। जिसके पास खुद की फेलोशिप है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि CSIR, UGC, DST, NBHM, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के थ्रू सेल्फ फंडेड रहते हैं, जो फेलोशिप रहती है। फिर आता है TA, दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो ये टीचिंग असिस्टेंटशिप में स्कॉलरशिप हमें MHRD देती है, जो कि इंस्टीट्यूट से मिलती है। फिर SW कैटेगरी है, विच इज स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो स्पॉन्सर्ड रहती है, जो भी R&D ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके थ्रू। फिर आता है इंस्टीट्यूट स्टाफ, जो भी रेगुलर स्टाफ रहेगा IIT इंदौर के वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिफेंस फोर्सेस की कैटेगरी है, फिर कॉलेज टीचर की है, जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है स्पॉन्सरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये कैटेगरीज है, सेम लाइकवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप्स है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन निकाले हैं, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, इन लोगों ने ये डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली है। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है और एक है कि जिसके पास मास्टर डिग्री है विद रिलेवेंट डिपार्टमेंट, फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री है, फिर मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है। और यहाँ पे लिखा है कि गेट इज नॉट कंपलसरी फॉर DF, IS, CT एंड SW कैटेगरी। तो SW, DF, IS एंड CT कैटेगरी के लिए गेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए गेट क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री भी हो जाए तो भी आपको गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। और इन सारे डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेडलाइन है। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखेंगे कि इनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, विच इज 15th of November। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अभी डेडलाइन बची है, दैट इज 20th November एंड 25th November। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेडलाइन है। तो आप जो भी आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हो वो डिपार्टमेंट से आप फिल कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डेडलाइन है 22 November एंड 22 November फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड मैथमेटिक्स 17 November। और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, इन लोग की डेडलाइन खत्म हो गई है। तो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइंस से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। और आप देखोगे कि
यहाँ पे उन्होंने फीस स्ट्रक्चर दिया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनके लिए 1000 US डॉलर पर सेमेस्टर फी रहेगी, और जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो 600 US डॉलर रहेगा, जो कि इंडियन के लिए कम रहेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मोस्टली ज़्यादा रहता है। और एप्लीकेशन फीस जो है इंडियन स्टूडेंट के लिए वो 100 है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 30 है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। एंड सब एप्लीकेशन फी सबके लिए सेम है, कैटेगरी कोई भी हो उसके लिए एप्लीकेशन 100 रुपीज़ ही है। तो आप जो भी आप डिपार्टमेंट में हो, आप गेट क्वालिफाइड हो, तो आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो IIT इंदौर में एप्लीकेशन, PhD एप्लीकेशन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।